मेन चीज़ तो यही है कि देखें, जो चीज़ पिछले 2-3 सालों में हुई है वो तो ये है कि एक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बढ़ गई है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बढ़ेगी तो उसके पास दो ही रास्ते रह जाते हैं कि या तो वो उस कॉस्ट को आवाम तक पहुँचाए, यानी गरीब की कमर को और तोड़े, या ये है कि वो लॉस उठाए, और लॉस उठाने की सूरत में इंडस्ट्री बंद होती है, और उसी सूरत में भी मजदूर तबके को नुकसान होता है, काम करने वालों को नुकसान होता है, जॉब लॉसेस होती हैं। और जॉब लॉसेस ना भी हों तो पाकिस्तान एक बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, 65% से ज़्यादा आवाम जो है वो 30 साल से कम उम्र की रखती है, जिसका मतलब यह है कि हर साल एक बहुत बड़ी तादाद जॉब फोर्स के अंदर दाखिल हो रही होती है। और अगर इकॉनमी का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, घरों के किचन नहीं चल सकेंगे। तो मेन फोकस तो गवर्नमेंट का यही होना चाहिए शॉर्ट टर्म में कि जी बहुत तेज़ी से इकॉनमी ग्रो करे। अभी भी जो इकॉनमी की ग्रोथ का प्रॉमिस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तकरीबन 3.4 और 3.9 के रेंज में है, जो कि सही मानों में जनूबी एशिया के ममालिक के हिसाब से देखा सिखा जाए तो अभी भी बहुत स्लो है ये नंबर। और ख़ास तौर पर अगर आप नौकरियां प्रोवाइड करना चाहते हैं नौजवानों को, तो उस हिसाब से तो ये ग्रोथ रेट तकरीबन 7% पे होना चाहिए। तो अभी हम उसके तकरीबन आधे ही पे पहुंचेंगे अगर गवर्नमेंट के फिगर्स को हम पे हम यकीन कर भी लें तो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ग्रोथ वापस लानी है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट या सब्सिडाइज करना जहाँ लोगों को नौकरियाँ मिल सकें। तीसरा, उन चीज़ों पर नज़र रखना कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। अब इन्फ्लेशन ख़ुद एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक बड़ी तवील गुफ्तगू की जा सकती है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ता क्यों है। तो एक वजह तो इस बजट में नज़र आ रही है जिसको टैकल करने की कोशिश की गई है, और वो है कि बिजली की जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो कि कभी कभार गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आज दुनिया में तेल की प्राइस बढ़ जाए तो पाकिस्तान में अफरातफरी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो प्राइस बढ़ेगी हर सूरत में। तो उसको नज़र रखना। एक बहुत बड़ी गलती जो 2018 में की गई थी वो ये है कि जो डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट था वो बिल्कुल अचानक तकरीबन 100 या 110 रुपये पर डॉलर से बिल्कुल 150 और 160 की रेंज में ले गए, जिसका मतलब ये था कि हमारी इंडस्ट्री में के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन सब की प्राइस तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और जब 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ेगी तो वही बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसे बनाने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, वो उस पैसे को आवाम के ही ऊपर डालेगा। तो डॉलर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल रखना, इंटरेस्ट रेट को कम रखना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिर एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट कर्जा लेगा सूद की बुनियाद पे और वो सूद बहुत हाई रेट पे होगा, तो वो सारा का सारा सूद का जो बर्डन है वो फिर आवाम पे पास डाउन करेगा। इसी किस्म से स्टेट बैंक को भी इस विजन से अलाइन करना पड़ेगा। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो एक चीज़ सोच रही हो लेकिन स्टेट बैंक बिल्कुल ही दूसरे रुख पे सोच रहा हो, और ये इकदाम जो दो इकदाम मैंने कहे, इंटरेस्ट रेट कम रखना, मनी सप्लाई को कम रखना, ये नहीं कि पैसे छापे चले जा रहे हैं, या ये कि बैंक्स को जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पाबंद करना कि वो अपने रिजर्व्स जो हैं उनके रिजर्व्स रेट को बढ़ा के रखें, और ये जो डॉलर और रुपये एक्सचेंज रेट है उसको काबू में रखना, चाहे आर्टिफिशली क्यों ना रखा जाए लेकिन बड़ा अहम है इस अफरातफरी को काबू में रखने के लिए। लेकिन आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक मैंने जितनी भी बात की ये सब बड़ी शॉर्ट टर्म बातें, यानी ये 1 साल 2 साल 3 साल के फिक्सेस की बातें। इससे यकीनन इन इकदाम के करने से भी पाकिस्तान एक ताकतवर मईशत नहीं बनेगा, और एक ताकतवर मुल्क नहीं बनेगा जो अपनी दफाई अखराजात को बर्दाश्त कर सके। उसके लिए तो बड़ी लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है, जो बदकिस्मती से हमने अपने पॉलिसी मेकर से 70 साल की तारीख में भी नहीं देखा, और पिछले 3 साल में भी हमने वो इकदामात बिल्कुल भी नहीं देखे हैं।